एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक फॉर यू। और आज की रेसिपी में मैं बनाऊंगी सिंघाड़ा फ्राई। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसको बनाना बहुत आसान है। सुबह शाम के नाश्ते के लिए भी ये बहुत अच्छा स्नैक्स है, आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सिंघाड़ा फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो सिंघाड़े को अच्छे से छील लिया था चाकू से और फिर उसको अच्छे से धो लिया। आप चाहें तो उसको बॉईल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसको छीला है। अब इसको हम चाकू से इस तरह से पीसेस कट कर लेंगे, दो दो तीन तीन पीसेस कट कर लेंगे इसके। सभी सिंघाड़े इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और कुछ मिर्चों को मैंने इस तरह से लंबे लंबे कट कर लिया है, उसको भी डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं। फिर इस कटे हुए सिंघाड़े को हम डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और उसको चलाएंगे और उसको धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। बीच बीच में हम एक बार चला देंगे। 2 से 3 बार चलाने के बाद अब ये हल्का सा गल जाएगा, तब हम इसको खोल करके धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा, तब हम ऊपर से काले मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच। और अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे चाय के साथ और इन्जॉय करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।